आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज की। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। गहरा केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। शीर्ष में गहरा केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। हरा रंग देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर है और इसमें 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रगान जनगणमन के बारे में। जनगणमन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। संविधान सभा ने जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया या गाया जाना चाहिए और इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का स्थान जनगणमन के बराबर है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया। वंदे मातरम जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जनगणमन के साथ समान रूप में सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ बराबर का दर्जा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।